नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए जिस तरह से हमने पिछली क्लास में सीखा था मात्राएं, अब हम दूसरी मात्रा देखते हैं। आइए आज हम बताते हैं आपको औ की मात्रा को हम अक्षरों में कैसे लगाएंगे। आइए बच्चों, आइए देखिए, आज हमारा टॉपिक है औ की मात्रा। ये औ की मात्रा का क्या है? ये सिंबल है, चिन्ह है बच्चों। इस चिन्ह को लगाएंगे हम, तो किसी भी अक्षरों में हम जब लगाते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है वो बदल जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए। जैसे ये क है, ये है एक सिंपल क। अब जब हम इसमें औ की मात्रा जोड़ेंगे तब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? कौ। देखिए, क प्लस हमने इस सिंबल को, इस मात्रा के चिन्ह को जोड़ा तो क्या बनेगा हमारे पास? क, औ की मात्रा कौ। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा? जब हमने औ की मात्रा जोड़ा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? कौ। अब देखते हैं दूसरा अक्षर म। म में जब हम औ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये बनेगा मौ। क्या कहेंगे बच्चों, हम कैसे उच्चारण करेंगे? मौ, क्योंकि हम औ की मात्रा का सिंबल लगा रहे हैं, चिन्ह लगा रहे हैं। ओके, तो ल, नेक्स्ट है ल। ल प्लस औ की मात्रा जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ल, औ की मात्रा लौ। कैसे उच्चारण करेंगे बच्चों हम? लौ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स। स पे हम औ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सौ। स, औ की मात्रा सौ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम एक अक्षर और लेते हैं। जैसे हमने लिया न। ठीक है बच्चों, न में हम जब औ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा नौ। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरह से हमने देखा कि हमने अपने अक्षरों में औ की मात्रा जोड़ा तो अक्षर का प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप जब लिखेंगे तो इसी तरह से बोलकर लिखेंगे। अब बच्चों हमने देखा अक्षरों में, अब हम औ की मात्रा जोड़कर शब्द कैसे बनाते हैं। आइए, देखिए शब्द, शब्द मीन्स वर्ड। ठीक है बच्चों, शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है प। हमने लिया प। प प्लस औ की मात्रा प्लस ध, आ की मात्रा, तो क्या बन गया बच्चों? ये प में औ की मात्रा प, ध में आ की मात्रा धा, पौधा। ठीक है, पौधा मीन्स प्लांट। ठीक है बच्चों, नाउ सेकंड, ना प्लस औ की मात्रा प्लस क, आ की मात्रा, कौन सा शब्द हमने बनाया? नौ का। ना में औ की मात्रा जोड़ा, क में आ की मात्रा जोड़ा, तो क्या बन गया बच्चों? ये ना, औ की मात्रा नौ, क में आ की मात्रा का, नौका। नौका मीन्स बोट। ठीक है बच्चों, अब हम थर्ड वर्ड लेते हैं क प्लस औ की मात्रा प्लस न, क्या बनेगा? कौन। कौन सा शब्द बना? कौन। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हमने शब्द बनाया। हमने कौन सा शब्द बनाया? हमने औ की मात्रा जोड़कर हमने श,
ब द शब्द बनाया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये शब्द बनाया। अब हम दूसरा शब्द सोचते हैं क्या होगा। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, देखो ये क्या है, म प्लस औ की मात्रा प्लस स प्लस म। अब हम तीनों अक्षरों को जोड़ेंगे, उसके साथ हमने मात्रा को जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा हमारा, मौसम। म औ की मात्रा स म। ठीक है बच्चों, क्या बन गया, मौसम, मौसम इज वेदर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि हमने औ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाया। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप क्या करेंगे, इसी तरह शब्द बनाएंगे औ की मात्रा जोड़कर, और जब लिखेंगे तो हम बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय, फिर मिलते हैं।